गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जो प्रॉब्लम है कि फाइंड द रैंप रिस्पांस फॉर ए सिस्टम हुज ट्रांसफर फंक्शन इज जी ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 8। तो बेसिकली प्रॉब्लम समझते हैं कि क्या पूछा गया है। फाइंड द रैंप रिस्पांस, रिस्पांस मतलब आउटपुट निकालो, आउटपुट निकालना है। और रैंप रिस्पांस मतलब क्या? रैंप रिस्पांस मतलब यहाँ पे इनपुट जो है वो रैंप फंक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझना कि यहाँ पे इनपुट रैंप फंक्शन है, और रैंप फंक्शन को अगर इनपुट दे दिया तो ये सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन अगर जी ऑफ एस ये है तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करने का इसको। तो जैसे कि मैंने बोला कि इनपुट फंक्शन जो है रैंप फंक्शन है, तो रैंप फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं आर ऑफ टी टाइम डोमेन में, और वो रहता है टी इंटू यू ऑफ टी। मतलब क्या रहता है, अगर टी की वैल्यू 0 है तो आर ऑफ टी 0 है, टी की वैल्यू 1 है तो आर ऑफ टी 1 है, 2 है तो 2 है। सो बेसिकली हम अगर एक्स और वाई एक्सिस निकालेंगे तो ये जो है ऐसा, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बेसिकली ये जो है तो ये रैंप फंक्शन रहता है। जब भी टी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट फंक्शन आर ऑफ टी 0 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए हो तो चलते हैं आगे। तो आर ऑफ टी यो टी है तो लैपलास डोमेन में उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपन एस स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा है। तो अपन को पता है कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा, सी ऑफ एस एक साइड में लिया और आर ऑफ एस इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऐसे बनेगा। अभी अपन को पता है कि आर ऑफ एस क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर है, जी ऑफ एस क्या है, एस अपॉन एस प्लस 4 और एस प्लस 8 है। तो ये दोनों वैल्यूज मैं इक्वेशन 2 में लेता हूँ तो कैसे होगा, तो बेसिकली ये इक्वेशन 2 नहीं इधर लेता हूँ, तो सी ऑफ एस क्या होगा, आर ऑफ एस विच इज 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस जो है एस डिवाइडेड बाय एस प्लस 4 और एस प्लस 8 जो मैंने इधर यहाँ पे लिख दिया। तो अपना सी ऑफ एस क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 8। तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा है कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करके ये सेम फंक्शन कैसे हम लिख सकते हैं, तो वही यूज करते हैं। तो उसका जो केस वन था उसमें जो डिनोमिनेटर के रूट्स है वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल है मतलब एस की वैल्यू 0 है, एस की वैल्यू माइनस 4 है, एस की वैल्यू माइनस 8 है, मतलब ये रियल वैल्यूज है, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू है, सेम वैल्यू है नहीं है। तो हम केस वन यूज कर सकते हैं जिसमें कैसा है कि ये इक्वेशन 3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, के वन अपॉन एस पहला वाला डिनोमिनेटर का टर्म, K2 अपन s प्लस 4 दूसरा वाला टर्म, और K3 अपन s प्लस 8 और बीच में प्लस साइन ऐड करने हैं। तो एक बार ये एक्सप्रेशन हमने लिख दिया तो हमारा टास्क ये है कि K1, K2 और K3 की वैल्यूज निकालनी है। तो K1 कैसा निकालने का, तो K1 निकालने के लिए हमको यहाँ में, यहाँ से इस फंक्शन में से s को ढक देना है क्योंकि K1 का डिनोमीटर क्या है, s। तो s को ढक दो और जो आता है बचा हुआ फंक्शन वो यहाँ पे लिख दो। तो s ढक दिया तो क्या आएगा, 1 अपॉन s प्लस 4 इंटू एस प्लस 8। और अभी क्या करना है, s टेंडिंग टू 0 क्योंकि ये ढक दिया है। सो जो चीज़ ढक दी है, जो फंक्शन ढक दिया है उसको टेंडिंग 0 करना है। इधर 0 क्यों करना है, क्योंकि ये s है खाली, अगर s प्लस 4 रहेगा तो s टेंडिंग माइनस 4 रहेगा, ठीक है। तो अगर s टेंडिंग 0 होगा तो s की वैल्यू 0 डालो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो क्या आएगा, 8 इंटू 4, तो बेसिकली 1 अपॉन 32 अपन को k1 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली K2 निकालना है तो S प्लस 4 ढक देना है, S प्लस 4 ढक दिया तो क्या आएगा, 1 अपॉन S इंटू एस प्लस 8 जो वही आ रहा है, और जो ढक रह दिया है उसको इक्वेट करना है 0 और जो भी वैल्यू आता है उससे टेंडिंग करना है। तो बेसिकली S प्लस 4 0 कर दिया तो S इक्वल टू माइनस 4 आएगा, तो वही माइनस 4 इधर S में डालना है K2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो सेम चीज़ अगर देखो कि मैं माइनस 4 डाल रहा हूँ और S की जगह के अगर माइनस 4 डालूंगा तो 8 माइनस 4 इज 4, तो बेसिकली माइनस 1 अपॉन 16 K2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली K3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको तो ढक देना है S प्लस 8, तो S प्लस अगर मैंने 8 ढक दिया तो क्या आएगा, 1 अपॉन S प्लस
एस इंटू एस प्लस फोर, तो वही लिख दिया मैंने, वन अपन एस इंटू एस प्लस फोर, और एस प्लस एट है के थ्री का डिनोमिनेटर, तो एस टेंडिंग, सो एस प्लस एट इक्वल टू जीरो कर दो तो एस इक्वल टू माइनस एट आएगा, तो टेंडिंग माइनस एट आएगा। तो बेसिकली एस के जगह पे डालो माइनस एट, माइनस एट तो क्या आएगा, माइनस एट इंटू माइनस एट प्लस फोर इज माइनस फोर, तो बेसिकली आएगा माइनस वन प्लस वन अपन 34, क्योंकि दो माइनस है यहाँ पे। तो अपन को अभी इस स्टेज में तीनों वैल्यूज मिल गए, के वन, के टू और के थ्री, तो तीनों वैल्यूज हम डालते हैं इस इक्वेशन नंबर फोर में, ठीक है। तो क्या बनेगा, सी ऑफ इज इक्वल टू वन अपन 32, जो के वन की वैल्यू है, के वन वन अपन 32 है, के टू माइनस वन अपन 16 है, और के थ्री है वन अपन 32, तो वही डाल दिया मैंने, सी ऑफ इज इक्वल टू वन अपन 32 डिवाइडेड बाय एस, माइनस वन अपन 16 डिवाइडेड बाय एस प्लस फोर, और वन अपन 32 डिवाइडेड बाय एस प्लस एट। अभी ये एक्सप्रेशन हो जाने के बाद अपन को इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है दोनों साइड में। अभी बेसिक मतलब क्या करना है, एस डोमेन से हमको टी डोमेन में जाना है, तो सी ऑफ एस का क्या आएगा, सी ऑफ टी आएगा, और अपन को पता है कि कॉन्स्टेंट वैसे ही रहेंगे, बट यहाँ पे वन अपन एस है, तो वन अपन एस का क्या रहता है लैपलास इनवर्स, अपन को पता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन रहता है या वन रहता है, तो वन रहेगा, तो ये चीज ऐसे ही रहेगी। और अपन को पता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपन एस प्लस ए, अगर एस ऐसा टाइप का अगर फंक्शन है या टर्म है, तो इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल टाइम डोमेन, तो ई रेस टू माइनस ए टी, ए कहाँ से आया, जो प्लस वाला टर्म है, प्लस के बाद वो टर्म इधर लेना है, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आएगा वन अपन 16 ऐसा ही, क्योंकि कॉन्स्टेंट टू ई रेस टू माइनस 480, क्योंकि ए यहाँ पे 4 है, सेम चीज वन अपन 32 कॉन्स्टेंट ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस 8 है, ए 8 है, तो ई रेस टू माइनस 80 मतलब ई रेस टू माइनस 8 टी आएगा। तो यही बेसिकली ये फंक्शन का जी ऑफ एस का स्टेप नहीं रैंप रिस्पॉन्स की वैल्यू आएगी, ये सी ऑफ टी इक्वल टू वन अपन 32 माइनस वन अपन 16 इंटू ई रेस टू माइनस 40 प्लस वन अपन 32 इंटू ई रेस टू माइनस 80। तो दोस्तों ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, आपको अगर कोई डाउट है एक्सप्लेनेशन में तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। थैंक यू।